खबर खरियाधाना से है, जहां एक चोर ने एक साथ दो मंदिरों मार बगीचा सरकार और प्राचीन मंदिर धनोरा सरकार संतोषी माता मंदिर को बारी बारी से अपना निशाना बनाया। दोनों मंदिर के पुजारियों ने बताया कि पूजा करने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो एक व्यक्ति दर्शन करने मंदिर के अंदर गया और दर्शन करने के बहाने अपने माता का मुकुट गहने इत्यादि सामान अपने साथ लेकर भाग गया। इसके एक घंटे बाद जब पुजारी मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर माता के सारे गहने अपने स्थान पर नहीं थे। पुजारियों ने शोर मचाते हुए आसपास मौजूद लोगों को बुलाया और फिर सारे लोग एकत्रित होकर खनियाथाना पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उक्त चोर पर मामला दर्ज कर दिया। पब्लिक द्वारा चोर को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में चोर को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के द्वारा चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उक्त चोर से समस्त चोरी के गहनों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। आरोपी शिवलाल प्रजापति निवासी मधुपुर का पकड़ा गया है। उसके कब्जे से बगीचा वाले मंदिर से जो देवियों के सामान चोरी किया था उसमें मुकुट, हार, कंगन आदि सामान है, जिसकी कीमत 30,000 रुपये है। एवं उक्त आरोपी द्वारा धनोरा वाले मंदिर से भी देवियों के सामान मुकुट चोरी किए थे, उसकी कीमत 8,000 रुपये है, उसे जब्त कर लिया गया है। आरोपी गिरफ्तार हो गया? आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सामान बरामद? सामान भी उससे बरामद कर लिया गया है। संपूर्ण सामान चोरी किया गया था जो बरामद कर लिया गया है।